सूबे में कल रात से नाइट कर्फ्यू, जी हाँ, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। कोरोना को देखते हुए योगी सरकार ने यह फैसला लिया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। शादियों में सिर्फ 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि अभी देश के अलग अलग हिस्सों से ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, जिसके केसेस सामने आ रहे हैं, अब उसको देखते हुए योगी सरकार पूरी तरह से सतर्क हो गई है और ये फैसला लिया गया है। कल से ये फैसला लागू हो जाएगा। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला योगी सरकार की तरफ से लिया गया है। आपको ये बता दें, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ये फैसला लागू होगा और शादियों में 200 लोगों की अनुमति पर सख्त नियम भी बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 25 दिसंबर से प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। शादी बारात के आयोजन में कोविड प्रोटोकॉल के साथ 200 लोगों की अनुमति रहेगी, जिसको देखते हुए सीएम यूकी ने उच्च स्तरीय टीम 9 को निर्देश भी दिए हैं। देश के अलग अलग राज्यों से कोविड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है और इसी कड़ी में यूपी में 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया जाएगा, जो कि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। क्योंकि आप भी जानते हैं, बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। सड़क हो, बाजार हो, हर किसी के लिए मास्क अनिवार्य है और देश के किसी भी राज्य या विदेश से यूपी की सीमा में आने वाले हर एक व्यक्ति की ट्रेसिंग टेस्टिंग के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही बस, रेलवे और एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी, इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। और इसी बीच हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। आगरा से संकल्प इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही जब्बार खान भी इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। सबसे पहले जब्बार के पास चलते हैं। जब्बार, एक बड़ा फैसला, देश के अलग अलग हिस्सों से जिस तरह से ओमिक्रॉन के केसेस सामने आ रहे हैं, इसको देखते हुए सीएम योगी ने टीम 9 को आज आदेश भी दिए हैं और साथ ही नाइट कर्फ्यू का आदेश भी जारी कर दिया गया है, जो कल से लागू हो रहा है। जब्बार, बिल्कुल आकांक्षा, क्योंकि इस फैसले के पीछे दो प्रमुख वजहें हैं। एक वजह यह कि महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज्यादा केसेस जिस तरीके से सामने हर दिन से आ रहे हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश देश का आबादी वाला सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पर चुनाव भी हैं, इसलिए ये एहतियाती कदम उठाना बहुत ज्यादा जरूरी था। खासतौर पर जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बात की चर्चा और जिक्र किया और आग्रह किया सरकार और चुनाव आयोग से, तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल प्रभाव से उनकी जो समिति है, उनकी जो कमेटी है, बैठक करने के बाद में इस बात को लेकर के बहुत सख्ती से निर्देश दिया कि चाहे वो शहरी इलाके हों, चाहे वो ग्रामीण इलाके हों, गांव देहात के इलाके हों, हर जगह पहले के तरीके की, याद कीजिए आपको जो पहली लहर थी या फिर जो दूसरी लहर डेल्टा, उस दौरान किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनको कोविड भी हो गया था, उसके बावजूद कैसे दिशा निर्देश का पालन उन्होंने करवाया और कैसे तमाम चीजों पर कंट्रोल पाने की जो कोशिश की गई थी उसमें सरकार को कामयाबियां हासिल हुई। तो जैसा कि आप गाइडलाइंस बता रही हैं कि 200 से ज्यादा गैदरिंग नहीं है शादी ब्याह के फंक्शंस में या फिर दुकानों बाजारों में आपको निकलना है, तो पहले से ही है कि मास्क का पहनना बहुत अनिवार्य, बहुत बिल्कुल। और इससे पहले भी हम देख रहे हैं जब्बार की किस तरह से सीएम योगी पहले से ही सतर्क रहे हैं, लगातार वैक्सीनेशन तेज हो इसको लेकर भी निर्देश देते रहे हैं। आगरा भी चलते हैं, संकल्प इस वक्त हमारे साथ है। संकल्प, आगरा की क्या सिचुएशन अभी देख रहे हैं आप, चूंकि आप बाजारों में भी निकल रहे होंगे, कितनी वहां पर गाइडलाइंस का पालन हो रहा है? देखिए, अगर बात की जाए वाराणसी की, तो तस्वीरों में आपको दिखाना चाहते हैं जो सहभागिता की लोगों से उम्मीद की जा रही है नहीं नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जिला प्रशासन के लोगों से अपील कर रहा है कि घर के बाहर मास्क पहन के निकले और कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करें। लेकिन यहाँ पे तमाम बाजार में ऐसे चेहरे हैं जो बिना मास्क के घरों से निकल रहे हैं, चाहे वो दुकानदार हो या फिर वो खरीदार हो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की सहभागिता की बेहद जरूरत है और शायद इसीलिए सरकार की तरफ से भी ये कदम उठाया गया है। और इस कदम की बेहद जरूरत इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से देश में तमाम केसेस अब सामने आ रहे हैं, अलग अलग देशों से लोग पहुंचे, हालांकि यहाँ के एयरपोर्ट पे लगातार सघन चेकिंग आ रही है। सबसे बड़ी बात है, जो भी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं इंटरनेशनल फ्लाइट से, उनका आरटीपीसीआर टेस्ट भी कराया जा रहा है और उनकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है कि वो किसी रिस्क फैक्टर वाले कंट्री से तो नहीं आ रहे, अगर नॉन रिस्की कंट्री से आ रहे हैं तब भी उनको आइसोलेट करने की सलाह दी जा रही है। यानी कि सभी कदम वाराणसी में उठाए जा रहे हैं, कोशिश यही है कि किसी भी तरह से संक्रमण वाराणसी में ना फैले। इस वक्त अंकित भी हमारे साथ है।
आपके पास भी मैं अंजित आना चाहूंगी। गोरखपुर की क्या तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, वहां पर किस तरह से कोविड की गाइडलाइंस का पालन हो रहा है या नहीं, जरा बताइए। देखिए, कोविड की जो गाइडलाइन है उसका बिल्कुल पालन नहीं हो रहा था, और सबसे बड़ी बात यह कि जो लगातार ये कहा जा रहा था कि वैक्सीन के बाद भी आपको मास्क लगाना है, उन सब की धज्जियां उड़ रही थी। और उसी के बाद से आज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया कि 25 तारीख से 11 बजे से लेकर के और सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू होगा। इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है, देखिए 25 को क्रिसमस है और फिर उसके बाद 31 को न्यू ईयर की पार्टी है, उसमें लोग बहुत ज्यादा जमा होंगे, इसको लेकर के सरकार को कम से कम ये लगता था कि वो भीड़ जमा होना हो, इसीलिए शादियों को लेकर के भी जो बड़े आयोजन होंगे उसको लेकर के भी एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि 200 लोगों से ज्यादा लोग इसमें शामिल नहीं होंगे। दूसरी जो अहम बात है, अगर कोई भी किसी तरीके का आयोजन होगा जिसमें भीड़ इकट्ठी होगी, उसकी जानकारी आपको प्रशासन को देनी होगी, और प्रशासन को जानकारी इस तौर पर देनी होगी कि 200 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। दूसरी अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री ने देखिए कल ही एक बैठक बुलाई थी, केंद्र सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है, उसके पीछे वजह यह है कि जो डेल्टा वेरिएंट था उससे लगातार मौतें बहुत ज्यादा हुई, ओमिक्रॉन को कैसे कंट्रोल किया जाए इस पर सरकार बहुत काम कर रही है और केंद्र सरकार इसको लेकर के बहुत चिंतित है। देखिए बार बार लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि देखिए नाइट में आपने कर्फ्यू लगा दिया रात 11 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक, दिन में रैलियां होंगी, चुनाव का वक्त चल रहा है उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में, फिर उन रैलियों में भीड़ कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या उन रैलियों में जो गाइडलाइंस है कोरोना की वो पालन होती हैं, ये लोग सवाल जरूर पूछ रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार ने कहा है कि 4-5 चीजों पर काम करने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो टीम 9 है उनकी, उसको ये संदेश दिया गया है कि ओमिक्रॉन को कंट्रोल करने के लिए काम किया जाए, जिसमें बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है अंजित, आप सही बातों का जिक्र कर रहे हैं कि लोग कोविड के गाइडलाइंस का पालन करें और जब घरों से निकले तो मास्क का इस्तेमाल भी जरूर करें। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम